भाई मैं हूं सुमित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज भाई मेरे साथ है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और मैं भाई इस गाड़ी में टेस्ट करने वाला हूं लोगों को बिठा के कि एक्चुअल में कितना स्पेस आता है। तो भाई हमारे साथ हैं तीन चार लोग, आप देख सकते हैं ये अपने रवि भाई, अभिषेक भाई और आपका क्या नाम भाई? अमित चौधरी। तो भाई भाई की हाइट तो 6 फीट है, अलग ही लग रही है। आपकी हाइट कितनी है? 5'5" है मेरी। आपकी? 5.5 फुट। और एक 5.5 फुट का मैं भी हूँ, ये देख लो भाई मेरे को। मैं तो अच्छा खासा मोटा ताज़ा भी हूँ, तो आपको देख आप मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा ये भी लगा सकते हो इस वीडियो से कि मोटा मोटा व्यक्ति अगर इस गाड़ी में बैठेगा तो कैसा क्या स्पेस मिलेगा। तो ओवरऑल ये वीडियो एक स्पेस के लिए रहने वाली है। सबसे पहले तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ड्राइवर की सीट पर कैसा स्पेस मिल जाता है। तो ये मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा हूँ और ये वैसे सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखी थी कि अगर मैं क्लच ब्रेक एस्केलेटर दबाऊं तो मेरे पैर वगैरह जो हैं कहीं से भी अड़े ना। और भाई ओवरऑल मतलब हाइट वगैरह भी जो है प्रॉपर सब कुछ मेरे रीच में रहे, तो इस सीट को मैंने इस हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। सेम एडजस्टमेंट मैं अपने पैसेंजर वाली सीट पर भी कर लेता हूँ। भाई यहाँ पर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेग रूम जैसा मिल रहा है, तो थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। और अब भाई मेरे पैर वगैरह कुछ भी नहीं अड़ रहे हैं, आराम से मैं कंफर्टेबल होके बैठ सकता हूँ। अब भाई ये मेन वीडियो की कि पीछे की सीट पे जब हम आगे कंफर्टेबली बैठ रहे हों तब क्या स्थिति है इस गाड़ी में वो आपको बताते हैं। भाई बारी बारी से तीन लोगों को हम बिठाते हैं। सबसे पहले तो भाई 6 फीट वाले भाई आप जाओ अंदर, चले जाओ, ठीक है दोनों चले जाओ 5.5 फीट के। ओके गेट लगा लो। तो भाई अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 5.5 फुट 5.5 फुट और 6 फुट के व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि तीनों ही ज़्यादा मोटे तो नहीं है बट हाइट वाइज ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ही बताओ कि आपको ऊपर सिर के ऊपर स्पेस कैसा मिल रहा है? ठीक ठाक है, कहीं पे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गाड़ी दच के खाएगी और अपना माथा फूट जाएगा? साइड में हो सकता है, साइड में हो सकता है ना, थोड़ा सा ऐसा करके बैठना पड़ेगा ऐसा। बाकी तो ऐसे बैठते हैं। लेग रूम कैसा मिल रहा है आपको? पर्याप्त है भाई, हम लोगों के लिए लगभग 1 फीट जगह बच रही है, भाई के लगभग 4-5 इंच जगह बच रही है। इधर भी ठीक है, इधर भी आपको ठीक मिल रहा है। तो भाई ये स्थिति है पीछे, अगर आप 5.5 फुट 5.5 फुट 6 फुट के आसपास की तीन बंदे बैठते हैं आप जैसे, ये तो दुबले पतले हैं थोड़े से, तो आप लोग बताओ कि कंधे वगैरह में कैसा कंफर्ट लग रहा है आपको? ठीक है, वैसे कंधे अड़ रहे हैं रवि दादा, तुम बताओ? अड़ रहे हैं थोड़े से बट कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं बोलता। अगर जैसे कोई मोटा व्यक्ति होता है या फिर ज्यादा जो थोड़ा वाइड अगर होता तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है, हमें ऐसे करके बैठना पड़ता ना, हम मतलब कंफर्टेबली यहाँ पर। तो मोटा व्यक्ति बीच में बैठ के देख ही लेता है ना, आ जाओ जरा 2 मिनट कर लो, कोई दिक्कत। चल चढ़ जाओ। तो अब भाई जैसे मैं बीच में बैठ गया हूँ, मैं थोड़ा इन लोगों से मोटा ही हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ की एक्चुअल कहानी क्या है। देखो कंधे तो अच्छे खासे अड़ते हैं क्योंकि 50 किलोमीटर तक हम लोग आराम से चले जाएंगे, उसके बाद भाई लड़ाई होने लगेगी, हट तू उधर। और भाई ये दोनों लोग है ना, इनका सिर बिचारों का इधर टकराएगा, तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ से यार चौड़ाई कम करके थोड़ी सी गलती करी, इसको थोड़ी सी बराबर रखनी चाहिए थी तो जो हेडरूम है वो बराबर मिलता। बाकी नीचे की तरफ आप यहाँ पे दिखाओ, इधर यहाँ देखो, इसमें प्रॉपर भाई वैसे ये जो गाड़ियाँ हैं रियर व्हील ड्राइव नहीं आती बट फिर भी यार इस बम्प का कोई यूज़ लगता नहीं है, समझ में नहीं आता ये बम्प किस लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे तुम बच्चा हो तो वो तो कम्फर्टेबल बैठ जाएगा बट यार इस पर अगर जैसे मैं पैर रख लूँ तो अंडर थाई सपोर्ट जो है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो 100-200 किलोमीटर अगर जाने की बारी है भाई मैं तो थक जाऊंगा। तो मतलब ठीक ठाक है स्पेस, हैचबैक के हिसाब से ठीक ठाक है बट जैसा इसको लोग बाग बोलते हैं कि एस्प्रेसो मिनी एसयूवी, तो भाई मिनी एसयूवी के जैसा ना इसमें एस है ना यू है ना वी है। तो ये भाई स्थिति है पीछे की सीट की। अगर भाई को ड्राइविंग सीट पर बैठा ना भाई 6 फीट वाले भाई, सामने वाले को तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी बट यार पीछे एक चीज लेग रूम भर भर के
कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पाँव रखे हैं, पाँव के साथ में आप एक दो झूले और रख लो तो भी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। और भाई भी कंफर्टेबल ही है यहाँ पर, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सेम ही है क्या स्पेशलरी में उसमें? एक चीज लग रही है यार रवि दादा, किसका जो रिक्लाइन एंगल है वो भी थोड़ा सा बुलेरो सीधा खड़ा सा है एकदम से, कम्फर्ट मतलब पीछे होता ना थोड़ा सा, और ऐसे कम्फर्ट ज्यादा मिलना चाहिए था। ये था एक वीडियो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के स्पेस मैनेजमेंट को लेके, मैंने आपको लोगों को बिठा के एक्चुअली दिखाया इसमें कैसे बैठ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।